भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल खिला था कमल खिलेगा, कमल खिला था कमल खिले, घर घर भगवा लहराए, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी। दोस्तों नमस्कार, निकाय चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे बड़ी सादड़ी के वार्ड नंबर 21 की। यहाँ से नक्षत्र मलदाकर चुनाव मैदान में है। पुकारे हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हाँ, बार बार बीजेपी। आइए हम देखते हैं इनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन की ये तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जीतेगा नहीं जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा, बोल सांवरिया सेठ की जय, बोल चार गुजरा नाथ की जय, शरण भगवान महावीर स्वामी की। बात करें इनकी राजनीतिक करियर की तो चार बार ये यहाँ से वार्ड पार्षद रह चुके हैं। बंधन वही बनाते करते हैं वादे झूठा, एक विकल्प एक ही जरूरत हो, एक विकल्प एक ही जरूरत, घर घर छाए मोदी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हाँ, बार बार बीजेपी। दो बार नगर पालिका चेयरमैन रह चुके हैं नक्षत्र मलदाकर, इस बार फिर चुनाव मैदान में है। शुरू से लेकर के आखिर तक प्रभारियों से लेकर के हर कार्यकर्ता तक इस चुनाव में लगे हुए हैं। हमने बहुत अच्छी कसरत की है, बहुत अच्छी मेहनत करके पैनल बनाए, फिर उम्मीदवार तय किए हैं और अभी फार्म भर लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीत। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी काम हमको करने हैं इस नगरपालिका परिसर में हम वो करेंगे। नगरपालिका क्षेत्र में जो भी काम है, विकास के जो भी काम बाकी हैं, उनको करने का पूरा पूरा प्रयास हम करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर हम खड़े हो। मेरा सोचना ऐसा है, यहाँ बड़ी सादड़ी में जनता की और हर व्यक्ति की ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड 100% कायम बनेगा। हमने प्रभारी बनाया, लगभग 8 तारीख से हम लोग यही हैं और परमानेंट हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे MLA साहब, हमारे नगर अध्यक्ष जी और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता थे, पुराने सभी कार्यकर्ताओं को बिल बैठा कर सबको मिला के हमने बहुत बढ़िया एक सभी समाज को ध्यान में रखते हुए हमने टिकट दिए हैं और इसमें हमारे MLA साहब ने और जिला अध्यक्ष ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किसी भी समाज को हमने छोड़ा नहीं है। ANG धुलिया लवार आदन तक देश के इतिहास में किसी पार्टी ने उस समाज को नहीं पूछा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को गणेश मानते हुए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य गरीब को गणेश मान के सेवा करने का, उसी तरह से हमने धुलिया लवार के समाज को भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया और वो 100% जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। कुल मिला के 25 वार्ड है, 25 में से हमारा अभी जो गणना है, 21-22 वार्ड हम लगभग जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से हमारे यहाँ हमारा जो चेयरमैन साहब बनेंगे और लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी है वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो संगठित होकर चलती है और सभी समाज को साथ में लेकर चलती है। हमारे यहाँ कोई वंशवाद, जातिवाद या ऐसा अपना परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं चलता है। हमारे जो भी आदमी काबिल होगा और पार्टी के साथ में जुड़ा होगा और इस यहाँ नगर निगम को अच्छी तरह से चला सके और जनता की समस्या के ऊपर खड़ा उतर सके, ऐसे व्यक्ति को हम आगे ले जाकर चेयरमैन बनाएंगे। उसमें सबकी भूमिका रहेगी, पार्टी के पदाधिकारी ध्यान रखा जाएगा। वार्ड नंबर 21 में मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी 2 बार चेयरमैन रहे, 5 बार लगातार पार्षद है, तो गरीबों की सेवा की वजह से अच्छे वोट से जीतते हैं और अच्छा काम कराते हैं
और उनका अभी बड़ी साल में नगर में बहुत अच्छा वर्चस्व है और वो अभी नगर पालिका में चुनाव में उतरे हैं और 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की कृपा कराए और विजय बनाए। एक पिता को इस तरह से आप चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं, आप किस तरीके का महसूस करते हैं, क्या आप सोचते हैं? मेरे पिताजी पर मेरे को बहुत गर्व है और बीजेपी पर बहुत गर्व है क्योंकि मेरे पिताजी जनसंघ के समय से यहाँ पे बड़ी साड़ी से कदम उठाता है, पार्टी को तैयार किए और आज इस मुकाम तक पहुँचा है। उन्होंने अच्छा विकास कराया, चेयरमैन होते हुए, पार्षद होते हुए, सभी अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, वर्क कराते हैं, गरीबों का अच्छा सेवा देते हैं, गरीबों का अच्छा काम करते हैं, आधी रात में उनको कोई बुलाने आते तो आ जाते हैं और उनका काम निकालने की करते हैं। हम आपको चुनाव यात्रा के तहत नगर पालिका की विभिन्न सीट की तस्वीरों से रूबरू कराते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव यात्रा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।